नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? वैसे मैं आज एक व्लॉग ही लेकर आई हूँ। कुछ दिन तक आपको मेरा कुकिंग दिखाई नहीं देगा, लगभग एक हफ्ते तक, एक हफ्ते या 10 दिन, क्योंकि मैं बैंगलोर जा रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से। मेरी बेटी का एक ऑपरेशन है, कुछ हेल्थ इशूज़ है उसके, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो इस वजह से मैं घर से दूर रहूँगी, तो मैं कुकिंग शूट नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, और मैं जो हो रहा है, जो भी मेरे साथ घटनाएँ घट रही है या फिर जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा है आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये नज़ारा मैंने संडे को लिया था। संडे को हम पानीघाट की तरफ गए थे, सैटरडे के दिन, संडे नहीं, सैटरडे के दिन। तो उस दिन रास्ते में जो भी मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे उसका वीडियो बना लिया था। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है हमारे आइलैंड का। और देखिए, घना जंगल चारों ओर, ना हरियाली ही हरियाली होती है हमेशा। और बारिश के मौसम में तो हर जगह पानी आपको दिखाई देगा, हर जगह पानी से लबालब होगा। तो आशा है आप सब मुझे समझेंगे। तो इस तरह हम पानी काट गए और वापस जा रहे हैं अब। तो मैं वहाँ, मैंने बताया था ना, हम पानी काट में, वहाँ पे एक चर्च है जो बहुत ही फेमस है, मदर मेरी का चर्च है। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ का ये चर्च है और ये पूरा वहाँ का जो है नज़ारा है, ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि चर्च ना एकदम समुद्र के किनारे पे है, समुद्र से सटा हुआ है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, मैंने चर्च के सामने खड़े होकर मैंने जो नज़ारा लिया है, बहुत ही खूबसूरत है ना। चाटम दिख रहा है, ये पानी घाट बोलते हैं इस जगह को। तो आप सभी देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइफ में एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड आइए, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखेंगे इस आइलैंड को, इतनी खूबसूरती है यहाँ। तो हम, मैंने बताया था ना, मेरी कज़िन की शादी हुई थी, तो हम उसके बाद हम सब एक साथ परिवार वाले मिलकर के हम गए थे। तो देखिए, मेरे परिवार वालों को भी आप देख लीजिए, तो ये हमारे परिवार की महिलाएँ हैं, देख लीजिए, हमारी मासियाँ, दो मासियाँ हैं हमारे, मेरी भाभी, हम सब हैं। तो हम अपना बस कुछ टिफ़िन वगैरह लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ जाकर आने में शाम हो जाती है ना थोड़ी, हमारे यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है जाने में, तो आने में भी टाइम लग जाता है। तो हमने कुछ स्नैक्स ऐसे ही कुछ बनाकर, इडली डोसा टोस्ट वगैरह बनाकर हमने लेकर गया था। तो उसी से पेट पूजा कर रहे हैं सभी, इसके बाद हम सभी यहाँ से निकलेंगे वापस घर की ओर। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद, आप सबों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।